प्रज्ञा, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो साड़ी ड्रेपिंग का एक वीडियो है। अब आप लोग बोलोगे कि दी आप साड़ी पहनना बता रहे हो और आप खुद साड़ी पहन के नहीं बैठे हो। सो एक्चुअली गाइस, मैंने इसका इंट्रो शूट किया था लेकिन मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो वीडियो मेरा बार बार रुक रहा था, तो मुझे दोबारा ये इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में साड़ी पहनने की एक ऐसी वियर्ड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप यूज करके साड़ी को पहनते हो और अगर आपको बेली फैट हो रखा है, थोड़ा सा आपका पेट निकला हुआ है, आप थोड़े से मोटे हो गए हो लॉकडाउन में घर पर रह के, तो आप उस बेली फैट को छुपा सकते हो। आप एकदम ही स्लिम ट्रिम लग सकते हो और जैसे मछलियों की जैसे मछली होती है ना एकदम यू वाली, आप ऐसी लग सकती हैं। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूजफुल है आपके लिए। जैसे कि आपको पता है मुझे थोड़ा सा भी बेली फैट हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, मैंने बहुत खाया है इसमें एंड मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। हाँ, एक्सरसाइज से याद आया, मैंने आज एक ब्लॉग शेयर किया है आप लोगों के साथ में, मैं अपने कैसे फिटनेस का ध्यान रखती हूँ और मैं कैसे मॉर्निंग मेरा रूटीन क्या होता है, उसमें मेरी एक्सरसाइजेज योगा एंड स्किन केयर इंक्लूड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। आज आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना बेली फैट छुपा करके एकदम स्लिम एंड ट्रिम लग सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एंड इफेक्टिव है। अगर आपको पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड हेलो ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चारों के आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम मेंशन मिस की। सो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब वीडियो स्टार्ट। ओके गाइस, तो चलिए पहनना स्टार्ट करते हैं साड़ी। तो आज मैंने नेट की साड़ी यूज़ की है। ये जो ट्रिक है आप किसी भी साड़ी पे अप्लाई कर सकते हो। आप कोई भी कपड़े की साड़ी पहनिए, आपको सबसे पहले अपनी साड़ी के एंड्स को अपने पेटीकोट में आपको अच्छे से उसको खोसना है। तो ये तो सभी को आता है, बेसिक होता है आपका आपकी जो आप प्लेट्स बनाते हो वो वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे पहले अगर आप अपना पल्लू को साइड कर लेते हो ना तो पोंछ बनाने में आसान होता है। तो पहले आप पल्लू को जितना आपका अपने पल्लू का लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से मेजर करके अपने पल्लू को सेपरेट कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप अपना कोंच बनाना स्टार्ट करिए। ये वाली जो ट्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए भी जिनकी अभी भी शादी हुई है, उनको साड़ी पहनना नहीं आता है, या फिर उन लोगों के लिए भी जो कि बहुत ही जल्दी ये साड़ी आप 5 मिनट पहन लोगे, केवल 5 मिनट आपको लगेगा। आपकी साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये ट्रिक जो है ये मैंने अपनी जेठानी से सीखी थी। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी जब मेरी भी शादी हुई थी, तो मैंने उन्हीं से सीखा था कि कितनी आसानी से आप अच्छे से एक साड़ी पहन सकते हो। अब आपको क्या करना है ना, आपको अपने पल्लू का ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसको ले करके आगे की तरफ इस तरह से पिन से एक टक इन कर लेना है। अगर आपकी बॉर्डर वाली साड़ी है तो बॉर्डर एकदम अच्छे से आता है अगर आपकी बॉर्डर वाली साड़ी है, लेकिन अगर आपकी बॉर्डर नहीं है इस टाइप की कोई नेट की साड़ी है तो वो भी अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, आपकी जो कमर में थोड़ा सा फैट है, जो यहाँ पे टायर्स बन जाते हैं आपको कमर में स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद में, तो वो टायर इससे छुप जाते हैं। अगर आपका मोटा कपड़ा है साड़ी का तो वो आपका दिखाई नहीं देगा, हालांकि नेट में हल्का सा शो होता है लेकिन उतना भी नहीं होगा जितना कि अगर आप नहीं करोगे तो। ऊपर से अगर यहाँ पे एक इवन लेयर होती है ना तो आपकी साड़ी एकदम फिट लगती है, जैसे आपने फिटिंग की साड़ी पहनी हुई है। अगर आपने यहाँ पे केवल खोस लोगे थोड़ी देर बाद साड़ी जो है खिसक के ऊपर चली जाती है, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। उसके बाद में आपको इस तरह से प्लेट्स को बनाना है। प्लेट बनाना बहुत ईजी है, कुछ लोग दो उंगलियों को यूज़ करके प्लेट बनाते हैं, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल ऑन दैट। तो इस तरह से मैं प्लेट्स बनाती हूँ और फिर प्लेट्स को आपको अपनी जो आपकी नाभी होती है ना उसके सामने टक करना है और फिर आपको एक सेफ्टी पिन से उसको सिक्योर कर लेना है ताकि आपकी प्लेट्स इधर उधर ना हो। मैं केवल दो सेफ्टी पिन या मोस्टली इसमें तो मैं 3 यूज़ करी हूँ, अगर मैं रेगुलर पहनती हूँ तो मैं केवल 2 सेफ्टी पिन ही यूज़ करती हूँ अपनी पूरी साड़ी में, एक यहाँ पर अपनी प्लेट्स को सिक्योर करने के लिए और एक पल्लू को। अब यहाँ पर आपको पल्लू आप जो मर्जी चाहे जितना लेंथ चाहें आप बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पल्लू के बना रही हूँ, प्लेट्स आप जैसा भी चाहे बना लें। उसके बाद अब आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। आपको क्या करना है, इस तरह से अपने बॉर्डर को लेके और फिर छोटे 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 सेक्शंस आपको बना लेने हैं। अगर आपका चेस्ट थोड़ा हैवी है तो आप थोड़े बड़े बड़े सेक्शंस बनाइएगा, अदरवाइज़ वो बहुत गंदा लगता है, बहुत वियर्ड लगता है कि चेस्ट हैवी होते हैं छोटे छोटे प्लेट्स में तो अजीब सा दिखता है। तो आप थोड़े बड़े बनाइएगा एंड देन फिर आपको सेफ्टी पिन से इसको भी सिक्योर कर लेना है अपने पल्लू को। बड़ी मैं पिंस यूज़ करती हूँ, मैं छोटे पिंस नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि बड़ी बहुत जल्दी आसानी से लग जाती हैं एंड प्लेट्स भी बहुत ईजिली हो जाता है उसमें, आप जो भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको आगे से क्या करना है, जो आपने प्लेट्स बनाई है ना अब आपको उनको एक एक को लेना है और इस तरह से आप क्या करना, बीच में से इस तरह से अपने फिंगर की हेल्प से आप प्लेट्स को एकदम इवन करते चले जाओगे, जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। समझ रहे हो ना, मैं समझा नहीं पा रही हूँ लेकिन आप देख लो मैं जो कहना चाह रही हूँ। आपको इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेट्स को रखना है।
अगर आपकी बॉर्डर वाली साड़ी है, बॉर्डर टू बॉर्डर, तो बताना, मैं वो वाला वीडियो भी शेयर कर दूंगी कि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर वाली साड़ी कैसे पहनी जाती है, ठीक है। तो मुझे बता देना, ये मोस्टली है कि मतलब आप कैसे स्लिम ट्रिम लग सकते हो अगर आप फैटी हो तो। तो अब यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स को रखने के बाद जो लास्ट प्लेट है ना उसको मत लेना, अदरवाइज़ फिर वो आपका ब्लाउज दिखता है ऊपर से नेट की साड़ी में। तो लास्ट वाली प्लेट को छोड़ के मैंने बाकी की प्लेट्स को एक ऊपर एक रख के और फिर बॉर्डर के ऊपर रख के मैंने इस तरह से पिंसेस को सिक्योर कर लिया है। सो बस यहाँ पर साड़ी मैंने अपनी अच्छे से पहन ली है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नेट की साड़ी में प्लेट्स दिख रही हैं तो आप पीछे से उसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, साड़ी मेरी पहन चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम लग रही हूँ, जबकि मुझे बेली फैट हुआ है। अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर जो मैंने किया उसको देखिएगा कि मुझे अच्छा खासा बेली फैट हो रखा है, ठीक है। अभी आपको क्या इसमें कोई बेली फैट दिखाई दे रहा है? नहीं, जबकि मैंने नेट की साड़ी यूज़ की है। अगर आप कोई कपड़े की यूज़ करोगे तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला है। आप लोगों ने कि ये ट्रिक कितनी ज्यादा इजी है। सो आपकी कमर जो है ना एकदम पतली सी लगेगी एंड आप एकदम स्लिम ट्रिम लगने वाले हो। सो आई होप आपको ये वीडियो एंड मेरा ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। सो बाय बाय एंड टेक केयर आल्सो। बाय गाइस। चलिए वीडियो के एंडिंग में आराम से कराती हूँ ताकि आप लोग उसको भी देख लें एंड मेरे वीडियोज को एंजॉय भी।